नाउ वी लुक एट सेफ्टी स्टॉक के हाउ वी ट्रीट सेफ्टी स्टॉक इन मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सेफ्टी स्टॉक आपको जैसे पता है कि जो डिमांड अनसर्टनिटी है उसके खिलाफ हम एक बफर क्रिएट करते हैं सेफ्टी स्टॉक का सो so दैट अगर कभी डिमांड uh, एक्सीड कर जाए एक्सपेक्टेशन से जो कि हमने फोरकास्ट की हुई है तो फिर ये सेफ्टी स्टॉक काम आते हैं उन डिमांड को मीट करने के लिए इधर क्योंकि फोरकास्टिंग नहीं है इधर ग्रॉस रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट हम पेश करते हैं बिकॉज दिस इज लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर दिस इज डिपेंडेंट डिमांड के बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो इसके अंदर कैलकुलेट होती है रिक्वायरमेंट और इसके अंदर फोरकास्ट नहीं होती उस किस्म की जो कि इंडिपेंडेंट डिमांड के अंदर हम फोरकास्ट कर रहे होते हैं सेफ्टी स्टॉक भी इसी तरह यूज होते हैं इसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं इन आर रिकॉर्ड फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम ये कर रहे थे कि जो प्रोजेक्टेड अवेलेबल बैलेंस है वो नेगेटिव ना हो दैट मीन्स कि हम कह रहे थे कि जीरो या इससे ज्यादा होना चाहिए जीरो से कम नहीं होना चाहिए जीरो से मुराद ये है कि इस का मतलब है कि सेफ्टी स्टॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है तभी हम जीरो कह रहे हैं हाँ, अगर सेफ्टी स्टॉक की रिक्वायरमेंट आ जाए कि जी हमने एक खास क्वांटिटी का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना है तो इन दैट केस फिर जो प्रोजेक्टेड अवेलेबल बैलेंस की रिक्वायरमेंट है वो उस क्वांटिटी से नीचे नहीं जाएगी फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फोर्टी यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक है सो दैट मीन्स कि प्रोजेक्टेड अवेलेबल बैलेंस फोर्टी यूनिट से कम नहीं होना चाहिए जब भी फोर्टी यूनिट से कम होने के चांस हो तो उस वक्त हमें हमारे पास ये क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी आ जानी चाहिए सो so दैट हमारी इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाए और फोर्टी यूनिट से ऊपर चली जाए फोर्टी से नीचे नहीं जानी चाहिए लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल इसके अंदर फर्स्ट केस है कि वेयर बफर इज नॉट यूज जो प्रोजेक्टेड अवेलेबल बैलेंस है वो जीरो से नीचे नहीं जाना चाहिए इस केस के अंदर लेट्स सपोज फर्स्ट पीरियड में ट्वेंटी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है सेकंड में फोर्टी की है थर्ड में ट्वेंटी की है फोर्थ में कोई नहीं है फिफ्थ में थर्टी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है ये दिस इज ग्रॉस रिक्वायरमेंट सेकंड रो विच इज शेड्यूल्ड रिसीट तो शेड्यूल्ड रिसीट इज बेसिकली कि ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है और अब हमने सेकेंड वीक के अंदर इसको रिसीव करना है तो ये एक किस्म का कन्फर्म ऑर्डर है इसके अंदर ये नहीं है कि ये हम प्लान कर रहे हैं नहीं प्लान नहीं कर रहे अब ये ऑर्डर हो चुका है तो क्योंकि टू पीरियड की हमारी लीड टाइम है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वीक से पहले यह ऑर्डर हो गया था और अब सेकंड वीक के अंदर उसकी रिसीट है जो हमने रिसीव करनी है तो यह हमारे पास ऑन हैंड होगा प्रोजेक्टेड अवेलेबल बैलेंस इज बेसिकली फोर्टी यूनिट ऑनहैंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वीक एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वीक अब उस बेसिस के ऊपर अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारी ग्रॉस रिक्वायरमेंट ट्वेंटी की थी तो उसको हमने माइनस किया प्रोजेक्टेड अवेलेबल बैलेंस से तो हमारे पास फर्स्ट वीक के एंडिंग बैलेंस इज 20 यूनिट्स सेकेंड वीक के बिगनिंग में 50 यूनिट्स हम रिसीव कर रहे हैं जैसे मैंने कहा शेड्यूल्ड रिसीट के अंदर और 20 यूनिट्स हमारे पास फर्स्ट वीक के एंडिंग इन्वेंट्री थी प्रोजेक्टेड इन्वेंट्री कह लें प्रोजेक्टेड अवेलेबल बैलेंस कह लें वो ट्वेंटी थी तो फिफ्टी प्लस ट्वेंटी इज सेवेंटी उसमें से हमने फोर्टी यूनिट जो रिक्वायर्ड है वो माइनस किए तो हमारे पास सेकेंड पीरियड की एंडिंग इन्वेंट्री थर्टी यूनिट्स की रहेगी इसी तरह थर्ड वीक की हमारे पास ट्वेंटी यूनिट्स थी तो थर्टी में से ट्वेंटी यूनिट्स कंज्यूम हुए वो टेन रह गए फोर्थ वीक में कोई नहीं थी तो टेन कैरी फॉरवर्ड हुए फिफ्थ वीक के अंदर अब जो इन्वेंट्री है अगर हम कोई ऑर्डर रिसीव ना करें तो वो लेस देन जीरो चली जाएगी नेगेटिव हो जाएगी तो हमने कहा कि हमने फिफ्थ वीक के अंदर हमने ऑर्डर रिसीव करना है आपने ये एक नोट किया होगा कि मैंने इसमें एक और रो ऐड कर दी है विच इज प्लैंड ऑर्डर रिसीट ये इसलिए ऐड किया आसानी हो कि लीड टाइम के बेसिस के ऊपर हमने रिलीज करना है सो so, अगर हमारी रिक्वायरमेंट 50 यूनिट्स की फिफ्थ वीक में पड़ती है तो दो वीक पहले हमने ऑर्डर प्लेस करना है तो ये जो रो है प्लान ऑर्डर रिसीट ये जरा थोड़ी सी ज्यादा बेहतर तरीके से रिकॉर्ड को शो करती है जिसके अंदर हमें कैलकुलेशन और लीड uh, टाइम की कैलकुलेशन वगैरह के बेसिस के ऊपर प्लान ऑर्डर रिलीज जो है उसके डिटरमिन करने में कोई इतनी कंफ्यूजन नहीं होती सो दैट इज बेसिकली थर्ड पीरियड के अंदर हम रिलीज कर रहे हैं ऑर्डर इसमें बफर कोई नहीं है अब हम कहते हैं कि जी सेफ्टी स्टॉक ट्वेंटी यूनिट्स के होने चाहिए नाउ अगेन सेम हमने यूज किया इसके अंदर प्रोजेक्टेड अवेलेबल बैलेंस बिफोर द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वीक इज फोर्टी यूनिट्स फर्स्ट वीक के अंदर ट्वेंटी की रिक्वायरमेंट आई तो हमारे पास ट्वेंटी बच गए फर्स्ट वीक में सो बेसिकली वॉट हैज इज कि जी सेफ्टी स्टॉक हमारे पास है सो so, इसमें हमें कोई इशू नजर नहीं आ रहा नेक्स्ट सेकेंड वीक के अंदर फिफ्टी यूनिट्स हमारी शेड्यूल्ड रिसीट है ये हमारे पास बिगनिंग ऑफ सेकेंड वीक आ जाएगी ट्वेंटी यूनिट्स फर्स्ट वीक में है सो so, उसमें से फोर्टी यूनिट्स हमने कंज्यूम किए तो थर्टी यूनिट्स वीक टू की एंडिंग इन्वेंट्री बन जाएगी अगेन दिस इज ग्रेटर देन सेफ्टी स्टॉक सो देर इज नो इशू बट इन थर्ड वीक वॉट विल हैपन इज के ये जो थर्टी यूनिट्स हैं इनमें से ट्वेंटी यूनिट्स कंज्यूम होंगे थर्ड वीक में सो थर्ड वीक की एंडिंग इन्वेंट्री टेन यूनिट्स की रह जाएगी जो कि हम अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि 20 यूनिट्स की सेफ्टी स्टॉक है सो दैट मीन्स के थर्ड वीक में हमें क्वांटिटी चाहिए जो हमारी ऑर्डर क्वांटिटी है लॉट साइज है वो हमें चाहिए सो so दैट हमारी एंडिंग इन्वेंट्री 20 यूनिट से ज्यादा हो जाए सेफ्टी स्टॉक से ज्यादा हो जाए या कमस कम अज कम सेफ्टी स्टॉक तक हो जाए तो हमने थर्ड वीक के अंदर कहा कि 50 यूनिट्स का लॉट साइज हमने रिसीव करना है उसको बैकवर्ड हम चले और टू वीक्स के लीड टाइम के बेसिस के ऊपर फर्स्ट वीक के अंदर हमने कहा कि ये ऑर्डर रिलीज हो जाना चाहिए 50 यूनिट्स का इसके बेसिस के ऊपर 50 प्लस 30 ये वाला 30 ऐड करें 80 होता है माइनस थर्ड पीरियड का 20 विल गिव अस 60 यूनिट्स एट द एंड ऑफ पीरियड थ्री और फिर फोर्थ पीरियड में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो 60 के 60 रहेंगे फिफ्थ पीरियड में 30 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है इन 60 में से ही 30 यूनिट्स कंज्यूम हुए तो हमारे पास फिफ्थ पीरियड में 30 यूनिट्स पड़े हैं दैट मीन्स कि इट इज मोर देन सेफ्टी स्टॉक सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एंड द ओनली ऑर्डर वी हैव टू प्लेस इज इन फर्स्ट वीक नाउ यू कैन सी कि सेफ्टी स्टॉक ने किस तरह प्ले की है जब हमारा सेफ्टी स्टॉक कोई नहीं था जीरो था कोई बफर नहीं था तो हम ऑर्डर प्लेस कर रहे थे थर्ड वीक में अब सेफ्टी स्टॉक आ गया है ट्वेंटी यूनिट्स का तो अब हमने फर्स्ट वीक के अंदर यही ऑर्डर हमें फर्स्ट वीक में प्लेस करना पड़ा है सो दैट वी मीड द रिक्वायरमेंट ऑफ सेफ्टी स्टॉक